हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हैंड ऑफ को प्रायोरिटी कैसे देते हैं, है ना। सेल ड्रैगिंग क्या है, अम्ब्रेला सेल कंसेप्ट क्या है, प्रैक्टिकल हैंड ऑफ जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे रिजोल्व करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटरफेरेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, what is trunking, what is grade of service and all that. Clear? Okay. So what is interference? So interference is a major limiting factor in the performance of cellular radio. It limits the capacity and increase the number of drop calls. Interference directly affect karta hai system capacity ko. ठीक है, जितना इंटरफेरेंस ज्यादा उतनी कैपेसिटी कम. What are the sources of interference? First, another mobile in the same cell. वो cell में अगर कोई दूसरा mobile है तो भी interference आ सकता है अब दोनों के signals में. दोनों के अगर high powerful signals जा रहे हैं तो ज्यादा interference आएगा. A call in progress in a neighboring cell. Neighboring cell में अगर कोई mobile है या call चालू है तो भी उसका interference आ सकता है. अदर बी एस ऑपरेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब दूसरे सेल का जो बेस स्टेशन है वो अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है तो वो भी इफेक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं को चैनल सेल. कि दो सेल अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं को चैनल सेल. सो दीज आर सोर्सेस ऑफ इंटरफेरेंस. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है? तो हम जानते हैं कि चैनल्स, हम यहाँ पे दो टाइप के चैनल्स यूज कर रहे हैं. एक है वॉइस चैनल, जिसके थ्रू एक्चुअली हम कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन होता है. और दूसरा है कंट्रोल चैनल, MSC, BS, इन सब को कम्युनिकेट करने के लिए जो कंट्रोल चैनल्स चाहिए वो. तो वॉइस चैनल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्रॉसटॉक एंड नॉइज इन बैकग्राउंड. ठीक है, क्रॉस टॉक मतलब दो फ्रीक्वेंसी अगर एडजेसेंट है तो एक का कॉल दूसरे में डेटा चला जाता है. सो दैट मे बी अ क्रॉस टॉक एंड नॉइज इन अ बैकग्राउंड, दैट इज इन अ वॉइस चैनल. व्हाइल इन कंट्रोल चैनल इंटरफेरेंस कॉजेस मिस कॉल, ब्लॉक कॉल और ड्रॉप कॉल्स. ठीक है, तो ये सब इफेक्ट्स इंटरफेरेंस की वजह से आती है. टू मेजर टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, को चैनल इंटरफेरेंस एंड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस. ये दो मेन इंटरफेरेंस के टाइप्स है. ठीक है, को चैनल इंटरफेरेंस मतलब के इज कॉज्ड ड्यू टू द सेल दैट रीयूज द सेम फ्रीक्वेंसी सेट. अगर दो सेल सेम फ्रीक्वेंसी सेट का यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे को चैनल सेल्स, और उनके बीच जो इंटरफेरेंस आता है उसको हम बोलेंगे को चैनल इंटरफेरेंस. फ्रीक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई कम फ्रीक्वेंसी बैंड में आपको ज्यादा यूजर्स अगर ऑक्यूपाई करने हैं तो आप कर सकते हो. तो ये फ्रीक्वेंसी रीयूज का डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो आप. फ्रीक्वेंसी रीयूज में क्या करता है कि दो सेल को हम सेम फ्रीक्वेंसी असाइन करना, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस से जो अलग है दो सेल उनको हम सेम फ्रीक्वेंसी सेट असाइन करता है. तो उनकी वजह से जो इंटरफेरेंस आता है दैट इज कॉल्ड को चैनल इंटरफेरेंस. ACI इज कॉज्ड ड्यू टू द सिग्नल्स दैट आर एडजेसेंट इन फ्रीक्वेंसी. एडजेसेंट इन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? कि सपोज पर्टिकुलर F1 फ्रीक्वेंसी मैंने यूज किया है तो उसके पहले वाली F1-1 एंड F1+1, ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी. इफ आई एम सिलेक्टिंग F1 देन माय एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज आर F1-1 एंड F1+1. तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर किसी नेबरिंग सेल को असाइन किया है तो उन दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस आता है उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, ACI. सो क्लियर द कंसेप्ट अबाउट CCI एंड ACI. ओके, फर्स्ट वी आर गो थ्रू को चैनल इंटरफेरेंस.
को चैनल इंटरफेरेंस को कैसे लिमिट करें, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन वन इज इंक्रीज बेस स्टेशन ट्रांसमीटर पावर टू इंप्रूव रेडियो सिग्नल रिसेप्शन। ठीक है, दो सेल अलग अलग तो है ही, तो एक सेल का जो ट्रांसमीटर है जो बेस स्टेशन का, उसका पावर हम बढ़ा दे। ठीक है, सो वी कैन लिमिट को चैनल इंटरफेरेंस, पर उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द इंटरफेरेंस इन टू अ नेबरिंग को चैनल सेल्स। मतलब एक सेट हो गया कि एक फ्रीक्वेंसी आपने दो ए को चैनल को असाइन की है, तो उसके बाद जो उसके नेबरिंग सेल है उसका भी कोई को चैनल होगा सेल, तो उनमें ये इंटरफेर, अगर मैं पावर बढ़ा देता हूं तो इंटरफेरेंस उन लोगों में, उन सेल्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन वन वी कांट इंप्लीमेंट। सेकंड इज सेपरेट को चैनल सेल्स बाय सम मिनिमम डिस्टेंस टू प्रोवाइड सफिशियंट आइसोलेशन फ्रॉम प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो सिग्नल। यहां पे बात हो रही है डिस्टेंस से लिमिट करने की, कि अगर दोनों को चैनल सेल्स में आपको इंटरफेरेंस मिल रहा है तो यू कैन इंप्रूव द डिस्टेंस बिटवीन देम टू अ सफिशियंट लेवल। बहुत ज्यादा डिस्टेंस कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, बहुत कम डिस्टेंस रखेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। ओके, अ सर्टेन अमाउंट, इफ अ साइज ऑफ अ सेल, लेट वी टेक वन कंसिडरेशन, इफ साइज ऑफ ईच सेल एंड ट्रांसमीटर पावर आर सेम। अगर आप ऐसा करते हो कि क्लस्टर में सब सेल की साइज, या फिर दूसरे क्लस्टर सब में सेल की साइज सेम रखते हो, और जो पावर है ट्रांसमिशन का वो भी सेम रखते हो, तो को चैनल इंटरफेरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टीएक्स पावर एंड बिकम्स अ फंक्शन ऑफ डी बाई आर। ठीक है, अगर आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में सब सेल की साइज भी सेम है और जो आप बेस स्टेशन का जो पावर यूज कर रहे हो तो वो टीएक्स का पावर भी सेम है, तो आपका जो को चैनल इंटरफेरेंस है वो डायरेक्टली रिलाई हो जाएगा, इट विल बी, वो किस पे डिपेंड हो जाएगा, फंक्शन ऑफ डी बाई आर पे। अब ये डी बाई आर क्या है वो देखते हैं, व्हाट इज डी बाई आर। ठीक है, डी इज अ डिस्टेंस टू बेस स्टेशन ऑफ नियरेस्ट को चैनल सेल। दो को चैनल सेल का अगर सेंटर ले हम, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डी, और आर इज अ सेल रेडियस, सेल की रेडियस। ठीक है, मतलब दो को चैनल सेल का जो डिस्टेंस है वो डी है, वो सेंटर से मेजर होता है। क्यू इज इक्वल टू डी बाई आर इज इक्वल टू को चैनल रियूज रेशियो। क्यू को हमने नाम दे दिया है को चैनल रियूज रेशियो, इट इज डी बाई आर, एंड फॉर हेक्सागोनल सेल इट इज अंडर रूट 3n। ठीक है, वेर n इज अ नंबर ऑफ सेल इन अ क्लस्टर। समझ में आ गया, q इज इक्वल टू डी बाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3n। ठीक है, अभी देखते हैं हमें, हमारा मेन एम क्या है कि सीसीआई को लिमिट करना, सीसीआई को कम करना। अगर हम d by r को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, और d by r को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा। इफ वी इंक्रीज d by r देन सेपरेशन रिलेटिव टू सेल कवरेज एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑब्वियसली सेल जितने ज्यादा अलग हो गए, जितने ज्यादा दूर हो गए, जितने ज्यादा आइसोलेट होंगे, कवरेज एरिया उतना बढ़ेगा आपका। ठीक है, विल रिड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रॉम को चैनल आर एफ एनर्जी। ठीक है, क्या होगा कि कवरेज एरिया बढ़ेगा लेकिन आरएफ एनर्जी भी उतनी ज्यादा लगेगी आपको, को चैनल आरएफ एनर्जी आल्सो इंक्रीज, मतलब मोर पावर रिक्वायरमेंट होगी बीएस के लिए। ठीक है, एंड सेकंड वन, इफ वी डिक्रीज द डी बाई आर देन सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीजेस। जितना ट्रांसमीटर पावर कम यूज होगा सिस्टम की कैपेसिटी उतनी इंक्रीज होगी, लेकिन
रिजल्ट इन को चैनल इंटरफेरेंस। जितने को चैनल पास आएंगे को चैनल इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। क्लियर? सो ट्रेड ऑफ बिटवीन दिस मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज सीसीआई। हमें ऐसा करना है, अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो सिस्टम की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, और डी बाई आर को डिक्रीज करता हूं तो सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन को चैनल सीसीआई इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसा मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू लेनी होगी कि जो डी बाई आर ज्यादा भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, और बहुत कम भी ना हो। क्लियर? सो ट्रेड ऑफ मस्ट बी रिक्वायर्ड बिटवीन दिस टू टू सिलेक्ट वैल्यू ऑफ डी बाई आर। क्लियर? को चैनल इंटरफेरेंस। नाउ सेकंड, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। एडजेसेंट का मतलब है उसके पास वाली फ्रीक्वेंसी। इंटरफेरेंस ड्यू टू सिग्नल विच आर एडजेसेंट इन फ्रीक्वेंसी टू अ डिजायर्ड सिग्नल इज कॉल्ड एसीआई। दो अगर सेम फ्रीक्वेंसी तो नहीं, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब एग्जैक्ट F1 एंड F1, दे आर सेम फ्रीक्वेंसी, बट F1 की एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी किसे बोल सकते हैं? F1-1, F1+1, F1-2, F1+2। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये दो यूजर को, अगर मैंने एक को F1 असाइन किया है, दूसरे को F1-1 असाइन किया है, तो ये दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी एडजेसेंट है उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जो कोई इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस? इट रिजल्ट्स फ्रॉम इम्परफेक्ट रिसीवर फिल्टर अलाउइंग नियर बाय फ्रीक्वेंसीज टू लीक इनटू अ पास बैंड। ओके, सब यूजर को जब हम फ्रीक्वेंसी असाइन करते हैं, पास बैंड मतलब क्या कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही वो पास होने देता है, बाकी के सब फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है। तो ये फिल्टर जो आप डिजाइन करते हो वो अगर एक्यूरेट होगा तो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी का जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाएगा। मतलब मैंने बोला है कि 5 MHz फ्रीक्वेंसी, तो वो सिर्फ वो फिल्टर ऐसा एक्यूरेट डिजाइन होना चाहिए कि 5 MHz को ही अलाउ करे, 5.1 को भी रिजेक्ट करे, 4.9 को भी रिजेक्ट करे। ठीक है, अगर ऐसा फिल्टर एक्यूरेट नहीं है तो क्या करेगा वो, 4.9 और 5.1 को अलाउ करेगा, तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। तो कॉजेज है, इसका मेन कॉजेज है इम्परफेक्ट रिसीवर फिल्टर। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? व्हेन अ मोबाइल इज मच नियर टू बेस स्टेशन, नियर बाय ट्रांसमीटर कैप्चर्स द रिसीवर ऑफ सब्सक्राइबर, दिस इज कॉल्ड नियर फॉर इफेक्ट। मेन प्रॉब्लम ये है, नियर फॉर इफेक्ट प्रोड्यूस होगी कि अगर आपका मोबाइल बेस स्टेशन के नजदीक है, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसमीटर है वो कैप्चर करेगा रिसीवर सब्सक्राइबर को, मतलब आपका जो चैनल आपको असाइन किया है उसमें से डेटा वो कैप्चर करेगा, उसको बोलते हैं नियर फॉर इफेक्ट। बेस स्टेशन फेस डिफिकल्टीज इन डिस्क्रिमिनेटिंग द डिजायर्ड मोबाइल यूजर फ्रॉम द क्लोज एडजेसेंट चैनल मोबाइल यूजर। बीएस के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको सर्विस देनी है, मतलब पर्टिकुलर डिजायर्ड मोबाइल को सर्विस देनी है, या उसके एडजेसेंट चैनल मोबाइल यूजर को सर्विस देनी है, वो डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा बेस स्टेशन को। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस की वजह से। सॉल्यूशन क्या है? जो कॉज है वही सॉल्यूशन है। कैन बी मिनिमाइज्ड बाय केयरफुल फिल्टरिंग एंड चैनल असाइनमेंट। केयरफुल फिल्टरिंग भी कर सकते हो आप, एकदम एक्यूरेट फिल्टर डालो, या फिर ऐसा करो कि जो नेबरिंग सेल है उनको आप फ्रीक्वेंसी एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी दो ही ना, ठीक है, तो ऐसे भी आप पर्टिकुलर चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करके, थोड़ी एक्यूरेट करके भी आप इसको लिमिट कर सकते हो। चैनल्स आर असाइन सच अ वे दैट फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन द चैनल्स आर मैक्सिमाइज्ड। जितना फ्रीक्वेंसी के बीच में ज्यादा सेपरेशन होगा एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस उतना कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है? एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। क्लियर? ओके।
Now we have some unit. Before starting the next theory, थोड़ा एक unit है उसके बारे में थोड़ा analysis कर लेते हैं. Erlang, a unit of traffic. Cell में call का जो traffic होता है उसको measure करने के लिए ये एक unit है. The fundamental of trunking theory were developed by Erlang, a Danish mathematician. The unit bears his name. Erlang is a unit of telecommunication traffic measurement. Erlang represents the continuous use of one voice path. Erlang क्या represent करता है? एक channel का continuous use, कि वो channel continuously कितनी बार use होती है. हम क्या करते हैं, BS क्या करता है, एक user को channel assign करेगा. जैसे ही उसका कॉल पूरा हो जाएगा वो चैनल वापस ले लेगा. फिर अगर दूसरे कॉल से रिक्वायरमेंट आती है दूसरे यूजर से, वो ही चैनल उसको असाइन करेगा. तो ये चैनल का कितना यूज होता है उसको हम बोलेंगे अरलांग. इट इज यूज टू डिस्क्राइब द टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ वन आवर. एक घंटे में कितना ट्रैफिक होता है उसका वॉल्यूम दिखाती है ये. A channel kept busy for 1 hour is defined as having a load of 1 erlang. ठीक है, समझ में आया कि अगर कोई चैनल एक घंटे में पूरा एक घंटा यूज होती है, मतलब फ्री है ही नहीं वो चैनल, तो उसको हम बोलेंगे 1 erlang. फॉर एग्जाम्पल, अ रेडियो चैनल दैट इज ऑक्यूपाइड फॉर 30 मिनट्स ड्यूरिंग एन आवर carries 0.5 erlang of traffic. एक रेडियो चैनल है जो 30 मिनट्स ही यूज होती है. ठीक है, erlang मेजर होता है एक घंटे में. ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट यूज हुआ है, तो एक घंटे का 30 मिनट्स ही अगर वो चैनल ऑक्यूपाई होती है तो हम बोलेंगे कि उसका ट्रैफिक लोड है 0.5 erlang. ठीक है, समझ में आ गया आपको. ओके, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ग्रुप ऑफ 100 यूजर्स मेड 30 कॉल्स इन 1 आवर. ठीक है, एक 100 यूजर्स का एक ग्रुप है, उसमें से 30 कॉल्स आते हैं एक घंटे में, एंड ईच कॉल हैड अ एवरेज कॉल ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स, देन नंबर ऑफ अरलांग इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. ठीक है, एक 100 यूजर्स हैं जिसमें से 30 कॉल्स करते हैं 30 लोग, और 5 मिनट एवरेज ड्यूरेशन बात करता है. ठीक है, मीन तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे ट्रैफिक आप. सो फर्स्ट कैलकुलेट मिनट्स ऑफ ट्रैफिक इन एन आवर. कितना ट्रैफिक, कितना यूज किया आपने. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉल्स 30 और ड्यूरेशन 5 मिनट्स, तो टोटल इट विल बी 150 मिनट्स. ठीक है, टोटल 150. ठीक है, यहां पे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक आवर के तो 60 मिनट्स होते हैं, तो इसमें से 150 मिनट्स कैसे हो गए. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल चैनल. यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो सिंगल चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, और जो अरलांग कैलकुलेट होता है वो सिंगल चैनल के लिए होता है. यहाँ पे हम कर रहे हैं पूरी सिस्टम के लिए, मतलब ग्रुप ऑफ चैनल्स है. 30 कॉल्स कभी बारी बारी से एक ही चैनल पे नहीं लगते हैं, अलग अलग चैनल्स में होते हैं. ठीक है, तो टोटल आपका कॉल ड्यूरेशन हो गया 150 मिनट्स. आवर ऑफ ट्रैफिक इन आवर, टोटल कितने आवर्स हुए, तो 2.5 आवर्स. आपने बंच ऑफ चैनल्स यूज किया 2.5 आवर्स के लिए, तो वो सिस्टम की ट्रैफिक इंटेंसिटी हो गई 2.5 आवर्स, और यू कैन से दैट 2.5 erlangs. ठीक है, ये जो लास्ट हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था, एक चैनल की ट्रैफिक, चैनल का ट्रैफिक बोल रहे थे, और यहां पे क्या है, सिस्टम का ट्रैफिक, अ बंच ऑफ चैनल्स का ट्रैफिक है ये. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को.
So it's a Erlang. Some of the key definitions that is used in mobile communication. आगे हम जो theories देखेंगे उसमें use हो गई time ये definition. Setup time. Time required to allocate radio channel to a requesting user. हम जानते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन में प्रोसेस क्या होगी. सबसे पहले जब आप कॉल लगाते हो तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट सिग्नल जनरेट होता है बेस स्टेशन के लिए. ठीक है, मतलब कि एक रिक्वेस्ट है कि चैनल असाइन करो मुझे, आई वॉन्ट टू यूज अ सब्सक्राइबर, है ना. तो आई वॉन्ट चैनल. तो बेस स्टेशन कैलकुलेट करेगा कि भी उसके पास कितने अवेलेबल चैनल है. अगर अवेलेबल चैनल है तो उसमें से पर्टिकुलर एक चैनल को वो असाइन कर देगा यूजर को. तो ये सेटअप होने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सेटअप टाइम. ठीक है, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू अलोकेट अ रेडियो चैनल टू अ रिक्वेस्टिंग यूजर. ठीक है, ब्लॉक कॉल, सेकंड डेफिनेशन, ब्लॉक कॉल. कॉल विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट ड्यू टू कंजेशन. कई बार क्या होता है कि यूजर रिक्वेस्ट डालता है कि आई वॉन्ट ए चैनल, लेकिन वो बेस स्टेशन के पास चैनल्स होती ही नहीं है. तो वो क्या करेगी, ऐसे टाइम में दो चीजें कर सकती है, या फिर उसको मना कर सकती है कि अभी चैनल अवेलेबल नहीं है, या फिर उसको क्यू में रख सकती है पर्टिकुलर टाइम के लिए. ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई चैनल अवेलेबल होती है तो फटाक से उसको दे देगी. अगर वो टाइम के लिए, वो टाइम में अगर कोई चैनल अवेलेबल नहीं है, फिर उसके बाद उसको बोलेगी कि भाई यू आर ब्लॉक्ड. ठीक है, मतलब के दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट में बी डायरेक्ट ब्लॉक और गिव सम टाइम डिले एंड देन आफ्टर ब्लॉक इट. तो ब्लॉक कॉल का मतलब वही है कि ऐसा कॉल कि जिसको चैनल नहीं मिली है, ऐसी कॉल रिक्वेस्ट कि जिसको चैनल नहीं मिली है, इट इज टर्मिनेटेड, तो उसको बोलेंगे ब्लॉक कॉल. होल्डिंग टाइम, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टिपिकल कॉल इज कॉल्ड होल्डिंग टाइम. मतलब कितने टाइम के लिए वो कॉल चैनल को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलेंगे होल्डिंग टाइम, कि इतने टाइम के लिए ये यूजर ने चैनल को होल्ड किया. इट इज डिनोटेड बाय एच इन सेकंड्स. ठीक है, आफ्टर दैट रिक्वेस्ट रेट, द एवरेज नंबर ऑफ कॉल रिक्वेस्ट पर यूनिट टाइम. ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितने कॉल्स की रिक्वेस्ट आती है बीएस के पास, उसको हम बोलेंगे रिक्वेस्ट रेट. ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एक घंटे का भी आप रख सकते हो, एक पर मिनट भी आप रिक्वेस्ट रेट दे सकते हो, ना. After that, traffic intensity. Traffic intensity is a measure of channel time utilization or average channel occupancy measured in Erlangs. Okay? वो channel कितने time के लिए use होती है. ठीक है, जो हमने आगे देखा था कि Erlang की जो definition है वो traffic intensity ही measure करती है. Erlang is equal to traffic intensity. मतलब एक घंटे में वो चैनल कितना ऑक्यूपाई होती है, कितने यूजर्स उसको यूज करता है, कितने टाइम के लिए, उसको हम बोलेंगे ट्रैफिक इंटेंसिटी. इज डिनोटेड, इट इज मेजर्ड इन Erlangs. लोड, ट्रैफिक इंटेंसिटी अक्रॉस द एंटायर TRS, एंटायर ट्रंकिंग सिस्टम. लोड जिसे बोलते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी. ट्रैफिक कंसेप्ट्स, सम ऑफ द ट्रैफिक कंसेप्ट्स. ट्रैफिक इंटेंसिटी ऑफर्ड बाय ईच यूजर, अ पर्टिकुलर यूजर कितनी ट्रैफिक देता है, उसकी इंटेंसिटी को हम मेजर करेंगे लाइक दिस. इट इज इक्वल टू द एवरेज कॉल अराइवल रेट
मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग टाइम, कि कितने कॉल करता है मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए करता है और कितने कॉल करता है. तो जनरली इट इज मल्टीप्लीकेशन, एच इज अ होल्डिंग टाइम एंड ए इज अ एवरेज कॉल अराइवल. ठीक है, उसको हम AU से डिनोट करते हैं. टोटल ऑफर्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी फॉर अ सिस्टम ऑफ यू यूजर्स. ठीक है, टोटल ऑफर्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी के BS कितनी ट्रैफिक इंटेंसिटी ऑफर कर सकता है. ठीक है, ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू है, यूजर की साइड से. ठीक है, और ये है बेस स्टेशन की साइड से, ये कितनी इंटेंसिटी असाइन कर सकता है. तो A इज इक्वल टू यू इंटू AU, जितना यूजर ले सकता है उतना मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूजर्स. ट्रैफिक इंटेंसिटी पर चैनल सेम वे हरलांग्स में मेजर होगा. कैसे डिनोट करेंगे? फॉर अ सी चैनल, अभी हम सी चैनल का यूज कर रहे हैं, तो AC इज इक्वल टू यू इंटू AU. ये मतलब ट्रैफिक इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है बेस स्टेशन डिवाइड बाय सी चैनल. ठीक है, सो इट्स AC, ट्रैफिक इंटेंसिटी पर चैनल फॉर सी चैनल. सो क्लियर, दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट ऑफ ट्रैफिक. एंड आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज CCI एंड व्हाट इज ACI. ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट थियोरी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है. व्हाट इज को चैनल इंटरफेरेंस, व्हाट इज एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रंकिंग एंड ग्रिड ऑफ थियरी. ट्रंकिंग एक थियोरी है कि आप कैसे फ्रीक्वेंसी, आपका जो बैंड दिया है उसमें से मैक्सिमम कितने ज्यादा यूजर को आप प्रोवाइड कर सकते हो सर्विस. तो ये उसके लिए एक थियरी है जिसको बोलते हैं ट्रंकिंग थियरी. ठीक है, समझ में आ गया? तो वही चीज आई है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू फॉर दिस लेक्चर.